अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैर से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम है ताशन मीरा, मैं तो पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रूबिक्स क्यूब की वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जिसको आप लोग एंड तक देख कर रूबिक्स क्यूब की ट्रिक सीख कर अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। और ये ट्रिक सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए है। और जो आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि वो लोग एक सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं, या तो गाइस उनकी प्रैक्टिस होती है या फिर वो यही फार्मूला यूज़ करते हैं। और आप लोगों ने मेरे चैनल पे भी एक वीडियो देखी होगी जिस पे मैं भी रूबिक्स क्यूब को 14 सेकंड में या पता नहीं कितने सेकंड में 3 या 4 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व किया था मैंने। और गाइस वो एकदम रियल था क्योंकि मैं लिटरली मुझे मेरे ख्याल से 2 मंथ्स लगे थे गाइस इसको सीखने में। उसके बाद गाइस मैंने अपने हाथ को इतना ज़्यादा सेट किया कि अब मैं 14 सेकंड या 15 सेकंड में 3 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर लेता हूँ। और आप लोग भी सिर्फ इस ट्रिक को इम्प्रेस करने के लिए ही इस्तेमाल करना गाइस। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँ गाइस कि आप लोग इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो अभी मैं रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पहले इनके कॉर्नर्स और एजेस के नाम पता करने पड़ेंगे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनके कॉर्नर्स और एजेस का क्या नाम है। तो अगर आप लोगों के राइट साइड पे एक लेयर है जैसे कि ये वाली, इसको आप लोग कहेंगे आर, यानी कि राइट से आर। और अगर आप लोगों के लेफ्ट साइड पे एक लेयर है तो आप लोग इसको कहेंगे एल। और अगर आप लोगों के फ्रंट पे लेयर है जैसे ये वाली, ये देखिए गाइस ये वाली मेरे फ्रंट पे ग्रीन लेयर है, इसको हम लोग कहेंगे गाइस एफ। उसके बाद गाइस आप लोगों के अगर बैक पे एक लेयर है जैसे कि ब्लू, इसको हम लोग कहेंगे बी। और डाउन पे अगर लेयर है उसको हम लोग कहेंगे डी। और यू पे अप पे यू। उसके बाद गाइस इनको ट्विस्ट करने के भी कुछ नाम हैं। सबसे पहले अगर आप लोग आर को ऊपर की तरफ घुमाते हैं ऐसे करके तो इसको हम लोग कहेंगे आर डैश। अगर हम लोग इसको नीचे की तरफ घुमाते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे आर प्राइम। ऐसे ही गाइस एल डैश, एल प्राइम। उसके बाद गाइस आप लोग ये देख सकते हैं ऊपर वाली लेयर, इसको अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे एल डैश, राइट की तरफ घुमाएंगे एल प्राइम, यू प्राइम गाइस, सॉरी यू डैश और यू प्राइम। उसके बाद गाइस डी का भी यही है, डी डैश डी प्राइम। उसके बाद फ्रंट की लेयर जैसे ये है, हम लोग इसको कहेंगे एफ डैश और एफ प्राइम। उसके ये भी ये गाइस बैक का ही है, बी डैश और बी प्राइम। उसके बाद गाइस हम लोग आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। ये है गाइस वो वाली ट्रिक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आप लोगों को कभी भी काम आ सकती है। ये ट्रिक गाइस सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए ही है। उसके बाद आप लोगों को इस फॉर्मूला यानी एल्गोरिथम को 24 टाइम लगाना है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। सबसे पहले ये आर है, आर को आप लोगों ने करना है ऊपर, उसके बाद यू को पीछे, आर को नीचे, यू को आगे। इसी तरह गाइस आप लोगों को 24 टाइम, आर को ऊपर, यू को पीछे, आर को नीचे, यू को आगे, आर को ऊपर, यू को पीछे, आर को नीचे, यू को आगे। चलिए मैं अब सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूँ गाइस। ये गाइस हमारा रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो चुका है। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊँ, आप लोग गाइस बहुत सारे कमेंट कर सकते हैं कि वेल डन या वेरी गुड गाइस, इस तरह के आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस पर पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आज की इस वाली वीडियो में इतना। अगर आप लोगों को ये वाली रूबिक्स क्यूब की वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना, चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।